आम आदमी से किए, जमींदारों से भी किए तो आम आदमी से भी किए। सबके लिए लड़े ना अधिकार, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े ना। जो लोग अंग्रेजों की दलाली किया और अंग्रेजों के खिलाफ कभी लड़े नहीं, वो बाबू वीर कुमार सिंह जी के बारे में वो पार्टी और वो लोग कैसे समझ पाएंगे। नीतीश कुमार जी कोई काम सोच समझ के करते हैं, सबके लिए नहीं जीते थे। कभी कभी के तरह ना उन्होंने लड़ना सीखा, गरीबों से सबसे अधिक प्यार किए, आम आदमी से किए, जमींदारों से भी किए तो आम आदमी से भी किए। सबके लिए लड़े ना अधिकार, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े ना। जो लोग अंग्रेजों की दलाली किया और अंग्रेजों के खिलाफ कभी लड़े नहीं, वो बाबू वीर कुमार सिंह जी के बारे में वो पार्टी और वो लोग कैसे समझ पाएंगे। बिजिया महोत्सव कौन सी का महोत्सव, पूरा देश गरीबी में है, पूरा देश इकोनॉमिक कोलैप्स है, महंगाई खत्म है, नौकरी नहीं मिल रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महोत्सव कौन बात का महोत्सव। महोत्सव बाबू वीर कुमार सिंह जब हमारे किसानों की बड़ी बड़े किसानों की भूमिका की लड़ाई लड़ी थी तो एक महोत्सव था। आज तो किसान को मारने की बात है, उससे पूछो ना। उनके परिवार को कैद कर दिया गया, अकेला पप्पू यादव गए जिसके बेटे को मार दिया उसके परिवार में। ये पॉलिटिकल स्टंट, हाजीपुर में व्यापारी को मार दिया जाता, माल का रहे, क्या हो गया नो एंट्री, क्या हो गया। पापा बोलते हैं पलटू ना, बेटा बोलता है पलटू चाचा, और कहता है लोकतंत्र खतरे में है भीतर में। एक अच्छे व्यक्ति को गाली सदन में, आप क्या क्या नहीं बोले नीतीश कुमार जी। बावजूद नीतीश कुमार पैदल चलकर पहुंच जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कोई काम सोच समझ के करते हैं। उनका कदम जो है, दो दिन पहले सुशील मोदी जी के ने जो ट्वीट किया उसको देखिए, और बाद दो दिन के बाद, चार साल के बाद जो कदम उठाया गया उसको देखिए, आप समझिए। अब भैया उस परिवार को जो राजद परिवार, उसको लगता है कि बीजेपी कोई यादव को तो ना बना दे, तो किसी को बनाए उससे बेहतर नीतीश कुमार ही रहे। और उस परिवार के भीतर भी लगता है कि वो ना बन जाए जो ये सोचता है कोई ना बने, तो परिवार के बीच ही है कि छोटका नहीं बन जाए, नीतीश जी ही रह जाए। और छोटका को है कोई यादव ने बीजेपी बना दे, हम ही रह जाए, नीतीश जी ही रह जाए। राष्ट्रपति नीतीश जी के बाद, यहाँ के बाद नीतीश जी के पास राष्ट्रपति का ही ना एक चैलेंज है, तो राष्ट्रपति तो नरेंद्र मोदी बनाएंगे नहीं, तो रास्ता क्या है। तरीके की ही बात करता हूँ मैं, उस साधु की बात राम रहीम और आसाराम की बात नहीं करूँगा। साधुता मन से, आत्ममोक्षार्थम जगत हितैषी, साधुता शिव के भाव से, कृष्ण के कर्म से, राम के मर्यादा से, गुरु गोविंद की कुर्बानी से, बुद्ध के त्याग से, मोहम्मद के प्रेम से। जो लोग जाति में डूबे हों, जो ब्रह्मर्षि समाज चलाए, जो दुनिया का जाति समाज चलाए, वो भी अध्यात्म और इष्ट की बात करे, वो मनुष्य की बात कैसे कर सकता है। विवेकानंद ने कहा था मैन मेकिंग, बिना मनुष्य के निर्माण के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, याद रखिए। इसलिए वह व्यक्ति विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा था। और हमारे दो बच्चों ने कहा कि श्रद्धांजलि आनिया, मैं मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, सिस्टम, इनको धर्म और अध्यात्म का पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। अध्यात्म कंप्लीट जीवन को जीने का वे है, और धर्म कंप्लीट एक अंधविश्वास आडंबर कर्मकांड है। धर्म का मतलब है प्रकाश देना, धर्म का मतलब है ये वाइट जो देता है वो धर्म है। धर्म का मतलब जाति नहीं है, पूजा पाठ नहीं है। जहाँ अंधविश्वास आडंबर कर्मकांड है वहाँ धर्म नहीं है। जहाँ धर्म की उपयोगिता सत्ता कुर्सी पैसे भौतिक शौक और वैभवता के लिए हो जाए वहाँ पर अध्यात्म और धर्म नहीं। धर्म का मतलब है विश्व कल्याण, मानव कल्याण। धर्म का मतलब गीता कुरान बाइबिल ही नहीं है, दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं, जो संत है, ऋषि है, मुनि है, कौशकी है, तांडव है, संग अच्छम संबद्वम संभो बनासी जानतम, साथ चलने, साथ जीने, साथ में होने और सबके लिए प्रेम करने का रास्ता, बिना किसी नफरत के, बिना किसी हीनता के, घृणा के, लालच के, लोभ के, क्रोध के, जो संपूर्ण मानव को प्रेम करे, वो है अध्यात्म।
और उसी को कहते हैं धर्म।